नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। शराबबंदी वाले बिहार से सारण के में जहरीली शराब से अब तक 38 लोगों की मौत हो गई है और विपक्षी बीजेपी पर मुद्दे पर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रही है। और इसी बीच नीतीश कुमार ने विधानसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, जो नकली शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, लोगों को खुद ही सचेत रहना होगा। नीतीश ने कहा कि कुछ लोगों को क्या कर सकते हैं, कुछ लोग गलती करते हैं, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। और नीतीश कुमार ने कहा कि जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी तब भी लोग नकली शराब पीकर मर जाते थे, यहाँ तक कि अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, लोगों को सचेत रहना चाहिए। बिहार में चूंकि शराबबंदी है तो कुछ ना कुछ नकली बिकेगा, इसे पीकर लोगों की मौत हो गई। और नीतीश कुमार ने कहा कि शराब बुरी आदत है और इसे नहीं पीना चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने अधिकारियों को कहा है कि गरीबों को ना पकड़े, जो लोग इसका व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें पकड़े। शराबबंदी कानून से कई लोगों को फायदा हुआ है और कई लोगों ने शराब छोड़ दी है। और नीतीश ने अपील की है कि कोई भी शराब से जुड़ा व्यवसाय ना करे और कोई बिजनेस करे, जरूरत पड़ी तो सरकार दूसरे बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए तक के लिए तैयार है। त्वांग मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। खड़गे ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा है कि क्या भारतीय संसद में चीन के खिलाफ बोला नहीं जा सकता, क्या इसकी आपको अनुमति नहीं है। खड़गे ने सरकार पर तंज कसते हुए ये भी कह दिया कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। और कांग्रेस अध्यक्ष ने आज सुबह ट्वीट कर कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। क्या भारतीय संसद में चीन के विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं है। राज्यसभा में आज भी त्वांग मुद्दे पर हंगामा बना हुआ है और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने त्वांग मुद्दे पर चर्चा की है और सरकार के सवालों के जवाब मांगे हैं। विपक्ष के इस हंगामे को देखते हुए राज्यसभा स्पीकर ने 15 मिनट के लिए कार्रवाई को स्थगित भी कर दिया। हालांकि अब दोबारा कार्रवाई शुरू हो गई है और विपक्ष फिर त्वांग पर मुद्दा छेड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। कितना अच्छा होता अगर एसिड बिकता नहीं, और बिकता नहीं तो फिर फिकता भी नहीं। ये डायलॉग बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक का है। फिल्म में एसिड अटैक स्वाइपर लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी को बयां किया गया है। लक्ष्मी पर 2005 में एसिड फेंका गया था और इस घटना को करीब 17 साल हो गए हैं, लेकिन दीपिका की फिल्म का ये डायलॉग दिल्ली के द्वारका में हुए स्कूली छात्रा पर एसिड अटैक की घटना पर एकदम फिट बैठता है। और पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन एसिड खरीदा और छात्रा पर फेंक दिया। बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद इतनी आसानी से एसिड का उपलब्ध होना पुलिस और प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। और दिल्ली के द्वारका के मोहन गार्डन में बुधवार को 2 बहनें स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी और इस दौरान बाइक पर आए 2 युवकों ने 17 साल की लड़की पर एसिड फेंक दिया और फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सचिन अरोड़ा और उसके 2 दोस्तों हर्षित अग्रवाल और वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पांच करोड़ की लागत से बनने वाली पेयजल योजना का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिलान्यास किया है और पहाड़ के पर्वतीय जिलों के एकमात्र हायर सेंटर बेस अस्पताल श्रीनगर के लिए सरकार ने 5 करोड़ की लागत से बनने वाली पेयजल योजना की सौगात दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बेस अस्पताल पहुंचकर पेयजल योजना का शिलान्यास किया। और आपको बता दें कि इन दिनों ही स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत श्रीनगर विधानसभा दौरे पर हैं और यहां स्वास्थ्य मंत्री ने कई योजनाओं का शिलान्यास करने के साथ कार्यकर्ताओं और बेस अस्पताल मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों की भी बेइक ली।
और वहीं उन्होंने बताया है कि 18 दिसंबर से स्वास्थ्य विभाग की बैठक श्रीनगर में आयोजित होनी है और कहा गया है कि उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य ब्यौरा रहेगा और कुछ धनराशि भी उसमें रहेगी जिससे कि वे अपना उपचार करा सके। और इसके साथ ही वहीं उन्होंने बताया है कि पेयजल योजना से आगामी 30 सालों तक बेस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को किसी भी तरह की पेयजल संबंधी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि पहले हमने शुद्ध पेयजल दे दिया है, अब जो पुरानी लाइनें यहाँ 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, 5 करोड़ रुपए की लागत से अब इन पूरे टैंकों का निर्माण किया जाएगा, सारी नई लाइनें बिछाई जाएंगी, मेडिकल कॉलेज में जो पानी की दिक्कत थी वो पूरी दूर की जाएगी और 30 साल तक के लिए कोई समस्या नहीं रहेगी श्रीनगर में। 5 करोड़ रुपए की लागत से आज हमने इसको जो है इसका टेंडर भी हो गया है और बहुत अच्छा पानी आप श्रीनगर को जो है घर घर में मिल जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक श्रीनगर में होने वाली है 18 तारीख को। देखिए 18 तारीख को हमारा स्वास्थ्य विभाग की भी बैठक है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की बैठक है, आयुष्मान भारत की भी बैठक है और हम ये चाहते हैं कि 1,25,00,000 लोग जो हमारे उत्तराखंड में प्रत्येक व्यक्ति की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी और उस हेल्थ आईडी सबकी निःशुल्क बनाई जाएगी। उस हेल्थ आईडी में प्रत्येक व्यक्ति का पूरा स्वास्थ्य का ब्यौरा रहेगा और यह हमारे सीएचओ गांव-गांव जाके बनाए जाएंगे, स्कूलों में भी बनाए जाएंगे और 1800 वेलनेस सेंटर हमारी सरकार बना रही है, उन वेलनेस सेंटरों में प्रत्येक आदमी का इलाज भी वहीं पर किया जाएगा। रायवाला थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक होटल कर्मचारी को स्मैक की बिक्री करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 7.61 ग्राम स्मैक पुलिस ने बरामद किया है और आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। रायवाला थाना पुलिस के मुताबिक नशे की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने हरिपुर कला के पास चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान एक संदिग्ध युवक पुलिस को दिखाई दिया जो पुलिस को देखकर दूसरी दिशा में भागने की कोशिश करने लगा। शक होने पर पुलिस ने युवक का पीछा किया और उसे कुछ दूरी पर जाकर रोक लिया। पूछताछ करने पर युवक ने बताया कि उसके पास स्मैक है और इसलिए वो पुलिस में पकड़े जाने के डर से भाग रहा था। रायवाला थाना अध्यक्ष भुवन चंद्र पुजारी ने बताया है कि युवक का नाम पंकज जोशी है और वो वैदिक नगर रायवाला का रहने वाला है। पूछताछ में पंकज ने बताया है कि हरिद्वार के एक रेस्टोरेंट में नौकरी करता है और रेस्टोरेंट में आने वाले साहिल नाम के व्यक्ति से वो स्मैक खरीद कर आसपास के क्षेत्र में बेच दिया करता था। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं रायवाला से, संजय शर्मा। संजय शर्मा, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। ऋषिकेश के आसपास रायवाला या और जो बगल आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर नशे की तस्करी के ज्यादा प्रचलन होने की वजह से पुलिस आजकल थोड़ा सा सख्त है और इसी कड़ी में जब पुलिस ने जांच पड़ताल करनी शुरू करी तो रोज चेकिंग करती है, रोज चेकिंग के दौरान 7.61% एक जगह से एक व्यक्ति से स्मैक जो है उन्होंने बरामद किए। तो उस व्यक्ति के बारे में जब पता चला तो वो किसी हरिद्वार के रेस्टोरेंट में काम करता है और एक साहिल नाम के व्यक्ति से खरीद खरीद के वो इधर उधर सप्लाई करता है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अगर इस तरह के होटलों में यहाँ काम करने वाले लोग इस तरह का काम करेंगे इससे तो नशे को बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो उसी कड़ी में जो वहाँ के थाना अध्यक्ष है भुवन चंद्र पुजारी, उन्होंने बताया कि जो ये पंकज है, पंकज जोशी, ऐसे ही लोगों की और तलाश चल रही है जिसमें कि जो लोग नशे का काम करते हैं, लोगों को नशे का आदि बनाने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसी जो चेकिंग है अब जगह जगह की जाएगी। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि होटल कर्मचारी स्मैक जो बिक्री करता था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी कब से बिक्री कर रहा था संजय, इस बारे में कोई जानकारी सामने आ पाई है? हाँ जी हाँ, वो लगभग 1-1.5 साल से वो यही काम कर रहा था जिससे उसको एक ऊपरी कमाई हो रही थी और उस ऊपरी कमाई की लालच में उसने इस तरह के काम करने शुरू करे। पर चेकिंग जो है लगातार पुलिस कर रही है, जो देहरादून का लास्ट बॉर्डर है हरिपुर कला, वहाँ से लेके ऋषिकेश, देहरादून या आसपास चकरौता जितने भी इलाके हैं जहाँ पर नशे का जो कारोबार ज्यादा चल रहा है वहाँ बहुत ज्यादा कड़ी तरीके से जो है चेकिंग चलती है और उसमें लोग लगातार पकड़े जा रहे हैं, कोई शराब से, कोई स्मैक से, कोई खांजे से,
इस तरह की जो चेकिंग है वो पुलिस को उसका लगातार एकदम सफल तरीके से निवारण कर रही है। से जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। खबर चमोली से है। राजकीय इंटर कॉलेज घेज में कक्षाओं से इतर खुली धूप में छात्र छात्राएं धूप में पठन पाठन का कार्य कर रही हैं और वहीं राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य संदीप कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो गोलमोल जवाब देते हुए विद्यालय में शिक्षकों की कमी का हवाला देते हुए नजर आए। उनके मुताबिक विद्यालय में कई पद रिक्त चल रहे हैं और सिर्फ 5 परमानेंट अध्यापक और 3 गेस्ट टीचर अध्यापक कार्य के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि 8 अध्यापकों की मौजूदगी के बावजूद छत पर धूप सेकते इन छात्र छात्राओं को पढ़ाने की जहमत एक भी अध्यापक नहीं उठा सका है। और इसी खबर पर हमारे साथ चमोली से हमारे संवाददाता पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए सुमन, जनपद चमोली का जो थराली विधानसभा का ये मामला है, घेस इंटर कॉलेज में जो है आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा होगा कि किस तरह से स्कूल जो छात्र छात्राएं हैं वो अपने टीचर का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि कब अध्यापक आए और कब अध्यापक इनको पढ़ाए। हालांकि जब इसका संज्ञान लिया गया उसके बाद जो है जरूर प्रधानाचार्य सामने आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हमारे विद्यालय में जो है केवल 5 टीचर हैं और 5 टीचर जो सरकारी हैं और उसके बाद जो 3 लोग जो हैं उनको जो है शिक्षा मित्र के तौर पे यहाँ पर रखा गया है। हालांकि जो प्रधानाचार्य हैं वो जो है अपना पल्ला झाड़ते हुए यहाँ पे नजर आए क्योंकि लगातार जिस तरह से जो विद्यालय है इंटर कॉलेज है कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो मामला सामने आया मामले संज्ञान में आया तो उसका संज्ञान जो है प्रधानाचार्य ने जरूर लिया। उसके बाद जो है शिक्षा अधिकारी चमोली ने भी संज्ञान लिया है कि छात्र इस तरह से यहाँ पे क्यों बैठे हैं, कौन शिक्षक का पीरियड था, उसका भी यहाँ पे संज्ञान लिया गया है। हालांकि लगातार इंटर कॉलेज की ये समस्या है क्योंकि सरकार हो चाहे प्रशासन हो विद्यालय को देखिए या शिक्षा को लेकर अपनी नीति बनाता है लेकिन शिक्षा की जिस तरह से जो नीतियाँ जो है लागू नहीं हो पाती है, टीचर नहीं वो पहुंच पाता है क्लासों में और छात्र आपने देखा होगा कि पुष्कर हम तस्वीरों में जिस तरह से देख पा रहे हैं कि कई छात्र हैं और ऐसा लग रहा है कि कई क्लासों के छात्र हैं जिन्हें अलग अलग लाइन में बिठाया गया है लेकिन वहां पे एक भी टीचर वहां पे तस्वीरों में हमें साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा सुमन की जिस तरह से जो कई छात्र की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो 12 तक के बच्चों को यहाँ पे बिठाया गया है और ये विद्यालय जो है घेस का है, थराली विधानसभा का है, घेस दूरस्थ इलाका है क्योंकि यहाँ पे 5 टीचर भी यहाँ पे कार्यरत हैं लेकिन जिस तरह से जो सब्जेक्ट टीचर हैं या ना पहुंच पाना यहाँ पे वो तो जांच का विषय है क्योंकि विभाग ने जो इसका संज्ञान ले लिया है। हालांकि छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं तो प्रधानाचार्य ने सीधे सीधे कहा कि हमारे पास विद्यालय में जो है छात्र संख्या ज्यादा है, क्लासें ज्यादा है और हमारे पास शिक्षक कम है तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग हो चाहे शिक्षा निदेशालय हो जिस तरह से वादे करता है कि हमने टीचर पहुंचा दिया, हमने प्रमोशन कर दिया तो उसका जीता जाता उदाहरण आपने देखा होगा कि छात्र जो है धूप में बैठे हुए हैं और अपने शिक्षक का जो है सब्जेक्ट जो टीचर है उसका इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक जो है उनको जो है लगातार ऐसी समस्याओं से यहाँ पे जूझना पड़ता है। चाहे जैसी चीज की बात करूँ मैं, जनपद चमोली के कुछ बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे छात्र संख्या अधिक है और शिक्षक नहीं है तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग जरूर जागा है। इसके बाद जब खबर उठाने के बाद जब जागा है, मुख्य शिक्षा अधिकारी ने यहाँ का आज इनका दौरा है तो कहीं ना कहीं अब जब छात्रों को टीचर ही नहीं मिलेंगे तो अब आगे जब देश का भविष्य क्योंकि कहते हैं कि जब नई जनरेशन हमारी आएगी अच्छी शिक्षक पढ़ाएंगे देश का भविष्य इनको है तो आपने देखा होगा कि टीचर न होने के कारण जो है छात्रों को यहाँ पे बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल पुष्कर, जिस तरह से हमने तस्वीरों में भी देखा और जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ हो रहा है। पुष्कर आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ग्रीष्मकालीन राजधानी ग्रेरसेंड में अधिकारियों की तैनाती को लेकर ग्रेरसेंड प्रेस के प्रतिनिधियों का उपवास दूसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलन पर डटे
प्रतिनिधियों और पत्रकारों ने आंदोलन जारी रखे जाने की आवश्यकता व्यक्त करते हुए कहा है कि एक सप्ताह पश्चात उपवास को अनशन में तब्दील कर दिया जाएगा, जो मांगों पर कार्रवाई किए जाने के बाद ही समाप्त होगा और बुधवार को तहसील गेट के समीप धरना स्थल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और शहीदों की वीरांगनाओं ने उपस्थिति दर्ज की है। इस दौरान पत्रकारों के धरने को अपना समर्थन देने के पहुंचे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय जय सिंह बिष्ट के पोत्र सुरेश कुमार बिष्ट ने कहा कि आज हम लोग बड़े दुखी हैं और जो हमें इस प्रकार से अपने क्षेत्र की पीड़ा को लेकर सड़क पर बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। निश्चित तौर पे आप जो हमारे तमाम पत्रकार, आप लोग बंधु, हमारे जो भी पत्रकार हैं, हमारे अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और जितने भी हमारे गैरसैन के पत्रकार हैं, आप सब लोगों ने जिस प्रकार की मांग यहां पर उठाई है, गैरसैन में जिस प्रकार से हमारे यहां पे SDM और हमारे तहसीलदार और हमारे अन्य कई कर्मी हमारे इस गैरसैन में नदारद हैं, निश्चित तौर पे प्रशासन से भी एक बहुत बेशर्मी की बात है और दुखी भी हैं हम लोग कि आज वो परिवार हमारे धरने को मजबूरी में समर्थन देने आए हैं, क्योंकि है ही नहीं, सुनी नहीं जा रही है। एक महीने का अल्टीमेटम भी दिया था और अल्टीमेटम को ये नहीं था कि साहब अपनी नेतागिरी चमकानी हो, अल्टीमेटम सिर्फ इस चीज़ का था कि गैरसैन में जो अधिकारी हैं, SDM है, तहसीलदार है, जो SDM है उनको बिठाओ। लेकिन जब नहीं हुआ तो उसके बाद आप देख रहे हैं आज के हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो परिवार हैं, उनके परिजन, जो शहीद परिवार हैं, उनकी वीरांगनाएं आज सड़क में बैठी हैं। आपने जो मेन मुद्दा जनप्रतिनिधियों का था, जिस पर काम जनप्रतिनिधियों ने करना था वो आपने उठाया और मैं यही कोशिश करना चाहूँगी कि इसमें सारे जनप्रतिनिधि भी अपना सहयोग दें, सारे महिला मंगल दल इसमें सहयोग दें, युवक मंगल दल सहयोग दें, सारे संगठन इसमें सहयोग दें, क्योंकि ये मुद्दा आम जनता का है, सबका है। इसमें जो भी ये मुद्दा उठाया गया है इसमें सबके हित का है ये मुद्दा। और लगातार हमारे साथ पुष्कर सिंह नेगी बने हुए हैं। पुष्कर सिंह नेगी, जिस तरह से मामला सामने आया है कि सड़क पर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के परिजन जो है वो बैठ गए हैं, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए सुमन, ये धरना न तो राजनीतिक है न तो कुछ ऐसा मामला है, क्योंकि अधिकारी को लेकर जो है जब प्रेस के जो लोग हैं, गैरसैन एक ऐसी, उत्तराखंड की एक ऐसी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, यहाँ पे जो है न तो SDM बैठता है, न यहाँ पे तहसीलदार बैठता है, न यहाँ पे जल संस्थान के अधिकारी बैठते हैं, न यहाँ पे PWD के अधिकारी बैठते हैं, तो मजबूरन जो है प्रेस क्लब को, जो है गैरसैन प्रेस क्लब को, जो है यहाँ पे अधिकारियों को बैठने के संबंध में ये धरना यहाँ पे जारी किया। आज इनका 6वां दिन है, तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं, यानी आप तहसील की अगर मैं बात करूं तो तहसील में जो लोग दूर दूर से जाते हैं, अपने यहाँ पे बहुत सारे प्रमाण पत्र बनाने पड़ते हैं, SDM से मिलना पड़ता है, तो अधिकारी ही नहीं रहेगा तो लोग क्यों जाएंगे। उसी के उसमें समक्ष जो है पत्रकार एसोसिएशन ने जो है गैरसैन का यहाँ पे धरना दिया है। और आज का जो कार्यक्रम था, आज के जिन लोगों ने अपने जो है बच्चे यहाँ पे जो है शहीद हुए हैं, या जो आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनके धरने को समर्थन दिए, क्योंकि एक जायज मांग है। अधिकारी बैठेगा तभी काम होगा, जल संस्थान का बैठेगा तभी कर्मचारी काम करें, लेकिन गैरसैन की उपेक्षा हमेशा से होती हुई आई है। और अब जाके जो है जब ग्रीष्मकालीन राजधानी, जब यहाँ पे सचिव को बैठना चाहिए था या राज्यपाल यहाँ पे बैठना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जब SDM ही नहीं है, पटवारी नहीं है, तहसीलदार नहीं है, और एक केवल एक नायब तहसीलदार यहाँ पे है, पूरा गैरसैन जो है इनके हवाले है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, या आपके आपने सुना होगा अभी जो महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इनको आज समर्थन दे रहे हैं, और शासन प्रशासन का कोई आला अधिकारी यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचा है। और आज के बाद की जो कार्यक्रम, जो इनका जो कार्यक्रम है सुमन, वो आज के बाद जो है अमरण अनशन होगा। आज तक तो केवल कर्मिक अनशन था, लेकिन अब अमरण अनशन होगा, उसके बाद भूख हड़ताल, यदि अधिकारी यहाँ पे नहीं बैठता है, कर्मचारी यहाँ नहीं बैठता है, कि छोटी सी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है गैरसैन की, तो इसको लेकर गैरसैन प्रेस क्लब ने जो है यहाँ पे अमरण अनशन शुरू किया था और आज जो इन लोगों को यहाँ पे 6वां दिन हो गया है। जी पुष्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
पौड़ी में विधायक राजकुमार पौड़ी द्वारा जिले के कलजी खाल ब्लॉक के चिलोली गांव के पास बनी मजार के निकट टिन शेड के निर्माण हेतु 2 लाख स्वीकृत करने पर हिंदूवादी संगठनों द्वारा हो हल्ला मचने कर जिला प्रशासन द्वारा मजार की भूमि के दस्तावेजों की जांच करवाई गई और जिसमें मजार के चरागाह भूमि पर अवैध रूप निर्माण होना पाया गया है, जिसके बाद आज जिला प्रशासन ने जेसीबी चलवा कर मजार को तुड़वा दिया गया और जिसके बाद लोगों की इस संबंध में अलग अलग प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं और मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्व और वन विभाग की टीम के द्वारा जमीन की नाप जोक में सस्ती वासियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बस्ती वाले परेशान हो गए हैं। दरअसल 14 वर्षों से दिनेशपुर थाना अंतर्गत कंटोपा गांव में लोग बसे हुए हैं और आज अचानक राजस्व और वन विभाग की टीम के द्वारा अचानक नाथ जोक किए जाने को लेकर कंटोपा गाँव के ग्रामीण में हड़कंप मच गया और बताया जा रहा है कि वो फिर जमीन वन विभाग की है जिसको खाली कराया जाएगा। इधर ग्रामीणों का कहना है कि 12 परिवारों को जिलाधिकारी के द्वारा पट्टे आवंटित किए गए और 40 वर्षों से उक्त स्थान पर निवास कर रहे हैं और अब प्रशासन की तरफ से नाप जोक क्यों हो, वही हल्की पटवारी ज्योति ने कहा कि स्थान पर वन विभाग की टीम के द्वारा दावा किया गया है कि यह जमीन वन विभाग की है और जिसकी नाप जोक की जा रही है। उन्होंने कहा है कि 12 परिवारों को प्रशासन के द्वारा पट्टे दिया गया है और वहां जमीन सरकारी राजस्व विभाग की है। देखिए, हमारी तरफ से तो कोई दहशत का है नहीं, कोई मैटर हमारे यहाँ से ये है कि ये वन विभाग की भूमि है, उसी का सीमांकन वगैरह किया है। तो यहाँ सीमांकन का कहाँ से कहाँ तक आ रही है, यहाँ जो आबादी है? ये तो हम करेंगे ना, तभी बता पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों का पट्टा भी है? हाँ, पट्टा भी है। तो उन लोगों को किस आधार पे पट्टा दिया गया है? अब ये तो पुराने टाइम में जिस भी दिया गया होगा, हमें तो इसकी नॉलेज नहीं है। आबादी की भूमि रहेगी तो जो आबादी की भूमि होती है ना, हमारी सरकारी भूमि होती है, उस पर दे सकते हैं जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी किस तरह से हो जाता है। तो अगर उन वो लोग अगर वन विभाग की भूमि आए तो उनका क्या होगा, जो पट्टा जिनको मिला है? नहीं, पट्टा वन विभाग की भूमि नहीं होगा। अच्छा। हमारी भूमि में होगा। बहुत दिनों से है, बहुत सालों से है। तो हमारा कीर्तिनगर कोतवाली में जल्द ही पुलिस के जवानों के लिए नए कार्यालयों का निर्माण किया जाएगा और साथ ही देवप्रयाग विधानसभा के मलेथा क्षेत्र समेत आसपास के दर्जनों गांव अब कीर्तिनगर कोतवाली में शामिल होंगे। एएसपी टिहरी दुबाल ने कीर्तिनगर थाने का औचक निरीक्षण किया और यहां लंबित पड़ी जांचों समेत मालखाने और पुलिस के अन्य भवनों का एएसपी ने जायजा लिया है। वहीं उन्होंने पुलिस अधिकारियों को नशे के खिलाफ जन जागरूकता और चेकिंग अभियान चलाए जाने के लिए निर्देशित भी किया है। मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि कीर्तिनगर कोतवाली के लिए नए ऑफिसों और मालखाने का प्रपोजल दिया गया है, जिसकी यहां बहुत लंबे से समय से ही जरूरत महसूस हो रही थी। और वहीं उन्होंने बताया है कि राजस्व क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस को दिए जाने की कवायद चल रही है और जिसके तहत पुलिस प्रशासन ने कई राजस्व क्षेत्रों को लेकर रिपोर्ट शासन को भेजा है, जिसमें मलेथा समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को कीर्तिनगर कोतवाली से जोड़ा जाएगा। राजस्व क्षेत्र का जो मलेथा का एरिया है वो थाना कीर्तिनगर में आएगा और इसके अलावा एक थाना छाम और कंडीसौड़ गजा चौकियां हमारे यहाँ खोली जा रही हैं। ये फेस वाइज रेवेन्यू क्षेत्र को पुलिस क्षेत्र में बदला जा रहा है, तो इसमें 2-3 फेज बनाए गए हैं। फर्स्ट फेज में हमारे यहाँ एक थाना और 3 चौकियों का प्रपोजल है और इसके अलावा भी जो अन्य रेवेन्यू क्षेत्र हैं वो अगले फेस में हम लोग उसका प्रस्ताव भेजेंगे और वो स्वीकृत हो जाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। सर, कीर्तिनगर कोतवाली को भी हल्का सा डेवलप आप लोग कर रहे हैं कुछ? कीर्तिनगर कोतवाली का कुछ भवनों का हम लोगों ने प्रपोजल भेजा है, जिसमें एक कार्यालय का भी है, इसके अलावा मालखाने का भी हम लोग प्रपोजल भेज रहे हैं यहाँ से। और आज जैसे कि मैं निरीक्षण में आया था यहाँ कीर्तिनगर थाने का, तो मैंने मालखाने का निरीक्षण भी किया और जो लंबित जितने
माल हैं हमारे, उनके निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। लंबित हमारी विवेचनाएं जितनी हैं उनकी समीक्षा की। दक्षिण के तूफान के कमजोर पड़ जाने के बाद हुई थोड़ी बारिश के बाद अब तेज ठंड के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। मौसम विज्ञानों के अनुसार कहा गया है कि आसमान एक दो दिन में पूरी तरह से साफ हो जाएगा और इसके बाद तापमान गिरेगा। हालांकि तेज ठंड उत्तर भारत में बर्फबारी के एक और दौर के बाद ही आएगी। मौसम का इतिहास देखें तो सागर में दिसंबर का दूसरा पखवाड़ा ही तेज ठंड वाला होता रहा है और 18 दिसंबर के बाद मौसम में फिर बदलाव की संभावना विशेषज्ञ जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल बुधवार को भी सागर में आसमान आंशिक मेघमय रहा और दिन के तापमान में फिर 2.8 डिग्री का उछाल आया है और रात का तापमान भी थोड़ा बढ़ा है। स्थानीय मौसम केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यह सामान्य से एक कम रहा। न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से एक अधिक रहा और मावठे को किसान खेती के लिए पर्याप्त नहीं बता रहे हैं और उनका कहना है कि तापमान ज़्यादा होने और बादल होने से इल्ली का प्रकोप शुरू हो जाता है और अभी पौधे छोटे हैं, अगर अभी प्रकोप हो गया तो फसल जो है उसमें वृद्धि में मुश्किल होगी, दवा का छिड़काव भी करना पड़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।